बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके यूरिन यानी कि पेशाब के सैंपल के अंदर बाज़ अवकात क्रिस्टल्स आ रहे होते हैं। वैसे तो ये क्रिस्टल्स काफ़ी किस्म के होते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स, अमॉर्फस यूरेट्स क्रिस्टल। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ कैल्शियम ऑक्सलेट के बारे में। और कैल्शियम के बारे में तो आप सब जानते होंगे, इसकी एक बॉडी के अंदर नॉर्मल रेंज होती है, यानी कि 9 से लेकर 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से, 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी बॉडी के अंदर एक मकदार होती है। ऑक्सलेट क्या है? ऑक्सलेट एक कुदरती प्रोडक्ट होती है जो कि मेटाबॉलिज्म के सिस्टम में पाई जाती है। अब मेटाबॉलिज्म का सिस्टम क्या है? मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, जो हम खुराक फूड खाते हैं या पानी या ड्रिंक्स पीते हैं, इनको वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर। तो ऑक्सलेट जो है ये मेटाबॉलिज्म का एक प्रोडक्ट होता है। इस ये पेशाब के थ्रू रिलीज़ हो जाता है जब ये एक्स्ट्रा होता है। और अगर इसका लेवल पेशाब बढ़ जाए, पेशाब के थ्रू प्रॉपर डिस्चार्ज ना हो पाए, तो फिर ये कैल्शियम के साथ कैल्शियम के साथ मिलके ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और जब ये क्रिस्टल्स बहुत सारे बन जाए तो ये किडनी स्टोन बना देते हैं। किडनी स्टोन क्या होती है? जिसे हम आम लैंग्वेज में पथरी कहते हैं। ये एक हार्ड किस्म का केमिकल होता है जो कि बाज़ अवकात आपके यूरिनरी ट्रैक के अंदर आके फंस जाता है। अब यूरिनरी ट्रैक क्या होता है? आपके गुर्दे हैं, यूरेटर है और ब्लैडर है, जिसे मसाना कहते हैं। गुर्दे हैं, फिर गुर्दों से नीचे दो नालियाँ सी जा रही होती हैं जिन्हें यूरेटर्स कहते हैं। और लास्ट में वो जहाँ पर जाके पेशाब जमा होता है, एक थैली होती है मसाना, जिसे कहते हैं ब्लैडर। और या तो ये स्टोन जो है किडनी के अंदर बन जाती हैं, या ये यूरेटर के अंदर जाके कहीं फंस जाती हैं, बन जाती हैं, और या ये बाज़ अवकात ब्लैडर में भी चले जाती हैं। तो यहाँ मैं आपको पेंसिल से भी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो हैं ये किस तरह के दिखते हैं। ये एक मुरब्बा नुमा की शेप होती है और इसके अंदर क्रॉस, एक चमकीला रिंग क्रॉस टाइप का बनता है, जो कि हम जब फाइन फोकस कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप में तो ये शाइन करता हुआ एक क्रॉस आपको दिख रहा होता है। ये हैं डाइहाइड्रेट कैल्शियम ऑक्सलेट। दूसरे जो मोनोहाइड्रेट होते हैं वो डंबल शेप होते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो डंबल उठा के हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वो डंबल शेप के होते हैं, उनका नाम है मोनोहाइड्रेट। और ये जो हैं जिनके अंदर क्रॉस चमकीला सा बनता है, ये होते हैं डाइहाइड्रेट्स। तो ऑक्सलेट जो है जब ये एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर हो जाता है, ये हमारी बॉडी में मौजूद कैल्शियम के साथ मिल जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और ये क्रिस्टल्स जब ज़्यादा हो जाएं तो ये पथरी की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, किडनी स्टोन बना देते हैं। और वो किडनी स्टोन जो है वो आपके किडनी में, गुर्दे में भी हो सकती है, और नीचे नाली में भी आ सकती है, और नीचे मसानवे में यानी कि ब्लैडर में भी आ सकती है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, पसंद आई, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब